दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ द्वारा दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को एकात्मता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में सोमवार को परिचर्चा का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में सामाजिक समरसता की भावनाओं के विषय में आयोजित परिचर्चा में छात्र छात्राओं के साथ साथ प्राध्यापक गणों ने भाग लिया। इस परिचर्चा में विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण कुसुम रावत, डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता एवं डॉक्टर संजय कुमार राम और दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक संजीत कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक संजीत कुमार गुप्ता ने कहा, सभी भूमि जो कई साथ रहना चाहिए और साथ मिलकर आपको एक चित्र हम लोगों ने दिया था, वो शुरू में विवेकानंद जी का, उसमें काम किया हुआ एक संरचना बनी थी, उसमें ध्यान नहीं है एक गोला बना देंगे पूरा, उस गोले का दूसरे गोले के साथ कोई संबंध नहीं है, तो इसमें क्या है एक लकड़ी, वो आप इसमें ध्यान देंगे ये क्या है संरचना, इसको जैसा कि आप सबको विदित होगा कि दीनदयाल जी के जयंती के उपलक्ष्य में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर जो स्थापित है दीनदयाल शोध पीठ के द्वारा जो है एक साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने जो दिया है एकात्मता सप्ताह का नाम दिया हुआ, उसके आज हम पाँचवें दिन यहाँ एकत्र हुए हैं। आज हम सब यहाँ पर पिछले चार दिनों में जिन छात्र छात्राओं ने स्लोगन प्रतियोगिता या निबंध प्रतियोगिता या परिचर्चा में भाग लिया है, उन छात्रों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उठी हैं, उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए यहाँ हम लोग एकत्र हुए हैं। इसमें जो दीनदयाल जी के बहुत सारे विषय, चाहे एकात्म मानववाद हो, चाहे चीति की बात हो या आर्थिक लोकतंत्र की बात हो, इन सब बातों को छात्र जो है उसके बारे में खुद बता रहे हैं, और उसके बाद जो है जब उनकी दृष्टि नहीं क्लियर है तो हमारे बीच में जो संयोजक बंधु हैं और मैं भी, सब लोग मिलकर उसको और स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो विषय को ठीक से समझ सके। इस उद्देश्य से आज हम सब यहाँ परिचर्चा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जिसमें दीनदयाल जी के विचारों को लेकर सभी छात्र और छात्राएँ तथा यहाँ अध्यापक बंधु परिचर्चा कर रहे हैं। इसमें विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ तथा विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक बंधु हैं वो सम्मिलित हैं।